नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। और उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष धर्म प्रकाश यादव और MLC रामजतन राजभर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किया, साथ ही उनके बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष धर्म प्रकाश यादव ने कहा कि संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर का देश के सृजन में एक अहम योगदान है और उनके द्वारा बनाए गए संविधान को आज हम लेकर चल रहे हैं और देश में जिस प्रकार से उनको लेकर बातें चल रही हैं और उनको उनके मानने वाले उनको किस प्रकार से सम्मान देते हैं, आज सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान मुख्य रूप से अशोक यादव, कुद्दूस अंसारी, रामधनी चौहान सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। हुआ था और किस तरीके से ये कार्यक्रम है? इनाम परियोजना है, ये 14 अप्रैल 2016 को ये लागू की गई है। इसका आज ये दूसरा साल है। हाँ। तो इसका हम लोग दूसरा जन्मदिन मना रहे हैं। जैसे बच्चों क्या है ये इनाम परियोजना? ये इनाम परियोजना है, ये भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना है। इस परियोजना में किसानों के उपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने का प्रयास किया जा रहा है और ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक जो सोच है भारत सरकार की कि हमारे यहाँ जो भी हो वो इलेक्ट्रॉनिक हो और ये डिजिटल हो। कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? आज 3 किसानों को और 3 व्यापारियों को आज सम्मानित किया गया है। किस तरह का कार्यक्रम? इनाम परियोजना भारत सरकार की जो मंशा है कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से किसानों को जोड़ना, जो भ्रष्टाचार जो होते थे पिछले सरकारों में उसको दूर करने के लिए पारदर्शी योजना है और किसानों को मोटिवेट करने के लिए जो किसान इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं ऐसे किसानों को पुरस्कार दिए जाते हैं कि वो मोटिवेट हो और किसान भी इसको देखकर इस योजना में बढ़ चढ़ कर भाग लें और भारत सरकार की मंशा को पूर्ण करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।